हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि काशी के क्या क्या कंपोनेंट हैं। उसमें एक कंपोनेंट हमारा आता है मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटिंग। हमें मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम देखते हैं कि राइस में सबसे बड़ा जो कठिन कार्य है वो पौध को लगाना। जब राइस ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें पानी में जब कादा करते हैं, जो सोइल को पडलिंग करते हैं, उसमें फिर हमें वो सीडलिंग लगानी पड़ती है, उसमें सारा दिन खड़ा होना पड़ता है। और स्पेशली वो काम करती हैं हमारी वुमेंस और यंग यू नो जनरेशन। वो उससे सारे दिन खड़े होने से हाथों में बीमारी हो जाती हैं और हमारे और एसोसिएटेड जो शरीर की बीमारियां हैं वो बहुत सारी होती हैं और उसमें बहुत ड्रजरी इन्वॉल्व होती है। उसको रिमूव करने के लिए और एग्रीकल्चर में लेबर के इश्यू को शॉर्टेज करने के लिए हमने एक राइस ट्रांसप्लांटर पे काम शुरू किया, जो कि 2001 और 2002 में इंडिया में सबसे पहले डेमोस्ट्रेशंस हुए। इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ, इसके सकारात्मक रिजल्ट पाए गए। इसमें होता क्या है? इसमें एक मैट नर्सरी की ज़रूरत होती है, जो कि इसका एक स्पेशल कंपोनेंट है। पहले ये दो प्रकार के होते हैं। पहले हमारे इंडिया में एक ही प्रकार के थे, जिसको फ्लोटिंग टाइप बोलते हैं, जो कि हम ये देख रहे हैं, और जो दूसरा होता है वो हमारा हाइड्रोलिक और रनिंग टाइप होता है, जो कि उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और वो हल्का होता है। ये फ्लोटिंग टाइप मैकेनिकल राइस प्लांटर है। इसमें हम यहाँ पे मैट नर्सरी रखते हैं, इसके अनुसार हम इससे मैट नर्सरी की डेप्थ जो होती है वो एडजस्ट करते हैं, और ये फिंगर होती हैं जो कि एक एक सीडलिंग को लेके और वो नीचे ज़मीन में लगाते हुए चला जाता है। ये मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर जो होता है ये रिजेज पे लगाता है। जब ये चलता है तो यहाँ से ये रिजेज बनती हैं, ये बीच में ये फ्लोट करता है, ये नीचे दबा देता है और यहाँ पे ऊपर निकलता है, जहाँ पे ये हमारी सीडलिंग यहाँ से लेके ज़मीन में लगाता हुआ चला जाता है। इसके हम दो एडजस्ट वेरिएंट हैं, दो एडजस्टमेंट है डेप्थ के। एक हम प्लांट टू प्लांट की दूरी है, जो सीडलिंग से सीडलिंग की दूरी वो 12 सेंटीमीटर पे है और 14 सेंटीमीटर पे, उसको हम एडजस्ट करते हैं। इसकी जो हमारी दूरी है ये हमारी 22 सेंटीमीटर के करीबन होती है, और इसको भी हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसमें फ्लोटिंग में नहीं कर सकते, जो लेकिन हाइड्रोलिक और रनिंग टाइप होता है उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांट बोलते हैं।